living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं आपको लेकर जा रही हूँ कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न आर्ट के म्यूज़ियम में, दैट इज़ कॉमो म्यूज़ियम। और ये पाकिस्तान का नंबर वन प्राइवेट म्यूज़ियम है। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं, आपका सामना जो है वो एक हेड के स्कल्पचर से होता है, एंड दिस इज़ बिलोंग्स टू मिशेल एंजेलोस स्टैचू ऑफ डेविड। और इसको हम यूनिवर्सल सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं, यानी कि आप जब इसको देखते हैं आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक चीज़ इससे बिलोंग कर दी हो। जस्ट लाइक अ मिरर टू ऑल हु व्यू इट। तो आज 665th डे है इस म्यूज़ियम को, और यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई है, दैट इज़ गोल्डन एग क्वेश्चनिंग द लॉ अराउंड बेसिक बॉडीली ऑटोनॉमी। जैसे कि प्राइज टहन थी ना, तो उसमें जो गोल्डन एग का कॉन्सेप्ट था, तो उसको विजुलाइज किया गया है इसके अंदर। और इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर एक आर्ट पीस नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड आइज़, और ये पर्सनल डिज़ायर्स और इरोटिक फैंटसीज़ को जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। ये सारी फाइबर ग्लास से बनी हैं, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आर्ट पीस था। मेरा दिल चाह रहा था कि इसको मैं रख सकूँ, और ये कुछ उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। इसी तरह दूसरी भी हमारे पास जो है, ये जो सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी थी, दैट इज़ कॉल्ड नजमतुल कुदस, और इसमें जो है वो डिफरेंट स्क्वेयर्स को कंबाइन किया गया है। और इसको बनाने के पीछे जो थॉट है कि हम मटेरियल वर्ल्ड का भूलकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जो है वो एक्सप्लोर करें, दैट इज़ द बेसिक थॉट बिहाइंड इट। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. सो ये जो पीस ऑफ आर्ट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम सी सॉ इफेक्ट। और ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो है मैन और दूसरा है अर्थ, उनके दरमियान जो इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं। अगर किसी एक चीज़ भी जो है डिसबैलेंस होगा, तो पूरा जो हार्मनी है प्लानट की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फोकफील्ड एक ऐसा आर्ट पीस था जिसने मुझे वाकई जो है वो हैरत में डाल दिया था कि ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आर्टिस्ट की जो सोच है वो है पेंडेमिक से रेलिवेंट, कि जब वो घर पे थे तो उन्होंने विजुअल लैंग्वेजेस को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। और आप क्या बिलीव कर सकते हैं कि विजुअल लैंग्वेजेस को एक फोक के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिस इज़ समथिंग इनक्रेडिबल। और इसमें जो है वो इंस्पिरेशन आती है आपकी एवरीडे ऑब्जेक्ट से, और इसको देखना
पास जाके खुद जाके देखना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैजिकल और जैसे आप उस मोमेंट में खो जाते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे था। और नेक्स्ट जो अब आप इस वक्त देख रहे हैं वो है इवोकिंग चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया, जिसमें आर्टिस्ट ने क्ले के साथ काम करके डिफरेंट शेप्स जो हैं अपनी इमेजिनेशन को जो है एक सामने लाने की कोशिश की है। बचपन में हम मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और उसी से रिलेवेंट कुछ जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Now we are moving towards the Como Cafe, जो बिल्कुल उसके साथ ही है म्यूज़ियम के। और एक बात जो मैं आपको बताना भूलगी कि इस म्यूज़ियम की कोई टिकट नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। ये गुलबर्ग 3 में है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न आर्ट का कम्बिनेशन जो आप अपनी आँखों से देखेंगे ना, वो वीडियो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। सो इस वक्त हम कैफ़े में जा रहे हैं बिकॉज़ वी आर सो बूस्ट अप बाई दीज आर्ट पीस। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away. तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।